वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। हाँ, तो आज हम लोगों को पढ़ना है भारत के खनिज में पेट्रोलियम। इससे पहले हम आपको बता दें कि 200 प्लस वीडियो इस चैनल पे हो गया है, जिसमें हम लोग बिहार जीके को कंप्लीट करा चुके हैं, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का ज्योग्राफी भी पढ़ाए हैं। और उस समय उतना व्यू नहीं जा रहा था, तो इसीलिए हम रोक दिए थे। तो आप लोग उसको देखिए, और अगल बगल जो टीआरई वगैरह देना चाहते हैं, बीपीएससी ये सब बिहार दरोगा, उनको भी फैला दीजिए। दूसरा, आपका जो लूसेंट है उसका ज्योग्राफी काफी दिन से चल रहा है, और अब तो इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्रमोट कीजिए, और इंडियन हिस्ट्री जाके आप देखिए। इंडियन हिस्ट्री और मजेदार तरीके से, मॉडर्न हिस्ट्री जो है इंडिया का, वो और बड़े बढ़िया तरीके से 1947 यानी देश की आजादी तक समझाया जा चुका है। आप लोग जाकर के उसको भी देखिए, और बाकी एनसीईआरटी अगर आप देखना चाहे तो देखिए, अदरवाइज लूसेंट मॉडर्न बेस्ड जो है आपका उसी को देखिए। चलिए, तो ये तो थोड़ा बहुत प्रचार था, हम लोग शुरू करते हैं भारत के खनिज। तो हम लोग कई सारा चीज पढ़ चुके हैं, है ना। भारत के खनिज में मोटा मोटी जो है इम्पोर्टेंट वाला हम लोग सारा पढ़ चुके हैं। अभी भी कुछ बाकी है, जैसे थोरियम, यूरेनियम, है ना, ये सब थोड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होता है, आपको ऐसे हम बता देंगे, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो लाएंगे। एक आधी जगह मिलता है, जैसे यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा की खान झारखंड फेमस है। थोरियम मिलता तो केरल में भी है, राजस्थान में भी है, बट केरल में सबसे ज्यादा, पूरा का पूरा लगभग 99.99% केरल में मिल जाता है। केरल में मोनोजाइट करके एक बालू मिलता है, तो वहीं पर जो है उसी में थोरियम पाया जाता है। थोरियम का कहानी हम आपको बताएंगे, और इंडिया के साथ क्या है थोरियम, क्या है मतलब उसके, अगर हम उसको निकाल लिए, अगर हम उसको परिष्कृत कर लिए यानी उसको रिफाइन करके निकाल लिए, तो उससे हमको कितना ज्यादा फायदा होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए, अभी तो पेट्रोलियम पे बात करते हैं। दो तीन वीडियो और लगेगा, और आप लोग का जो है ये वाला टॉपिक जो खनिज है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा खनिज, क्योंकि हर खनिज को अलग तरीके से एक एक कर करके हम समझाएं, क्योंकि अगर हम एक साथ बनाते तो काफी बड़ा वीडियो बन जाता, तो इसीलिए चलिए अब शुरू करते हैं। तो पेट्रोलियम में अगर हम आपसे बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात की पेट्रोलियम में फर्स्ट पे सबसे ज्यादा कौन जो है, किसका जो है उपज मतलब उत्पादन हो रहा है, तो फर्स्ट पे आपका यूएसए आता है, ठीक है, फर्स्ट पे आपका यूएसए आता है। इसके अलावा इंडिया का कोई इसमें मतलब पेट्रोलियम के मामले में कोई खास अच्छा रैंक है नहीं, है ना। तो हम लोग जाहिर सा बात है कि सबसे पहले हम लोग पहला ही देखते हैं कि भाई फर्स्ट पे कौन आता है, तो फर्स्ट पे यूएसए आता है। उसके अलावा चाइना, रशिया ये सब आता है, ठीक है, बट हम लोग नहीं है, चाइना, रशिया, कनाडा ये लोग ही है, यूएसए फर्स्ट पे है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम आपसे कि इंडिया में फर्स्ट पे कौन है। तो देखिए, इंडिया में जो फर्स्ट पे है वो राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर असम है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम होता है, बहुत ज्यादा होता ही नहीं है, होता जो भी है 2-4 रुपया का, मतलब कहने का मतलब कुछ परसेंट जो होता है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा उसी में होता है, राजस्थान में, फिर गुजरात में होता है। गुजरात का अंकलेश्वर आपको पता भी होगा, अंकलेश्वर काफी फेमस है पेट्रोल के लिए, पेट्रोल निकालने का जगह है वहां पे। और असम माकुम ये सब जो इलाका है, माकन माकुम, तो वहां पे, तो ये सब चीज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, कुछ ऑयल टैंक का नाम देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, वर्ल्ड का जो पहला ऑयल टैंक बना है वो कहाँ बना है और कब बना है। ऑयल टैंक क्या होता है, कुआं, माने वो कुआं जिससे हम लोग तेल निकालते हैं, वो कुआं जिससे कि हम लोग तेल का कुआं होता है, तो उसको पहले खोदना पड़ेगा, खोद करके ही ना निकालेंगे। तेल का कुआं होता है, जैसे आपका देखिए ये जो सी है, इस तरीके से पूरा पानी 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 है, है ना, और उसके नीचे जो है ये सॉरी इसके नीचे क्या है, लैंडमास है, वो पूरा ठंडा खांसी चलते रहता है, तो इसके नीचे जो है वो लैंडमास है, लैंडमास है, तो इसको खोदना पड़ेगा आपको। खोदने के बाद ही जो है यहां से आप निकाल सकते हैं, इसको हिंदी में प्रवेधन कहते हैं, इंग्लिश में इसको शायद से ड्रिलिंग कहते हैं, ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है, तो हिंदी में प्रवेधन कहते हैं, ठीक है। तो प्रवेधन करने के बाद आपको यहाँ पे तेल निकाल सकते हैं आप, तो यही तेल का कुआं होता है। तो जो सबसे पहली बार, अच्छा ये तो समुद्र में ना, कभी कभार क्या होता है कि समुद्र तट के पास में, जैसे यहाँ पे तट पे तो बालू वालू है,
तट पे बालू वालू रहता है, यानी वो क्या हो गया, लैंडमास हो गया। समुद्र तट जो होता है वो थोड़े वाटर बॉडी है, वो जल जल का क्षेत्र नहीं है, वो स्थल क्षेत्र है ना। भले ही समुद्र के बगल में है बट वो तो स्थल क्षेत्र है। तो इस लैंडमास पे भी अगर हम खोद दिए और खोद करके निकाल लिए तो यहाँ पे भी तेल हो सकता है। देखिए कोयला और तेल, पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल, इसमें दो ही बात होता है भाई कि पेट्रोल जो होता है वो जीव से मिलता है, बेसिकली जंतु से, माने एनिमल से। एनिमल के मरने पे जो जीवाश्म बनता है, जो जीवाश्म ईंधन बनता है ना, फ्यूल बनता है, वो पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। जबकि प्लांट बॉडीज जब मरते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, डेड प्लांट्स, तो वो जब सड़ गल जाते हैं और जब अंदर दब दब के बहुत सालों बाद हम लोग को देखने को क्या मिलता है, कोयला बन जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि अच्छा ये जो है ये प्रवेधन कहलाता है, इसको जो हम खोदे, ठीक है, और ये इसको आखनन कह सकते हैं। बट बेसिकली दोनों इंग्लिश में ड्रिल करना ही होता है कि ड्रिल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि पहली बार जो ये तेल का कुआं बना था, तेल का पेट्रोल के लिए जो कुआं बनाया गया, ये कहाँ बना? तो ये पहली बार जो बना है वो पेंसिल्वेनिया में बना है। कहाँ बना है? पेंसिल्वेनिया में बना है। ये कहाँ है? यूएसए में है। ये कहाँ है? यूएसए में है। कब बना है? तो जिस समय हम 1857 की क्रांति में उलझे हुए थे, यानी जिस समय हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ झगड़ा कर रहे थे अपने देश की आजादी के लिए, यूएसए तेल का कारखाना जो है बना रहा था, तेल का कुआं बना रहा था। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आजादी से पहले ही हमारे यहाँ भी एक तेल का कुआं खुदाया, बट वो कहाँ खुदाया? तो वो एक लैंडमार्क पे खुदाया, और उस लैंडमार्क का जगह क्या है? माकन, माकन असम। ठीक है, और ये कब खोदा गया है? तो 1857 के 10 साल बाद 1867 में खोदा गया है। 1857 के 10 साल बाद 1867 में पहली बार तेल का कुआं खोदा गया है माकन असम में। बट आपको पता होगा कि ये ब्रिटिश इंडिया के द्वारा खोदा गया है, भारत सरकार के द्वारा नहीं, ब्रिटिश राज के द्वारा खोला गया है, जब भारत गुलाम था तब। अब दूसरा बात से आते हैं, तो फिर इसको जब हम देख लिए तो हम लोग कहेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार जो खोला गया, क्या? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहली बार खोला गया है, तेल का कुआं खोदा गया है, वो कहाँ खोदा गया है? तो इसको बात कर लेते हैं, इस पे एक मिनट हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ गया। हाँ, ये रहा, इस पे एक मिनट बात कर लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस खोदा गया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास, आप लोग मैप में देखेंगे खंभात की खाड़ी के ऊपर नजदीक में, तो एक अंकलेश्वर नाम का जगह है। ठीक है, अंकलेश्वर नाम का जगह है, उसी अंकलेश्वर में खुदाई हुआ और तेल का कुआं खोदा गया, और वो कुआं जो है उसका नाम क्या पड़ा? वसुधारा। ठीक है, कुआं का नाम क्या पड़ गया? वसुधारा। ठीक है, तो ये आपका पहला कुआं है जो कि भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जिनको हम भारतवासियों ने चुना, वो तो भारत के प्रधानमंत्री, ये भारत आजादी के बाद जो पहला खोला गया वो था वसुधारा अंकलेश्वर। कौन बनाया? हमारी सरकार ने बनाया, जिन्हें हमने खुद से चुना था उन्होंने बनाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये कब बना है? 1960 में बना है। अब आप एक बात को समझिए, 1960 में बना ये अंकलेश्वर 1947 में ही क्यों नहीं बन गया, है ना? 1960 में बना है ये, 1947 में हम आजाद हुए, 50 में ही बन जाता क्या दिक्कत था, है ना? तो इसके पीछे सुनिए, सबसे पहले अगर आपको तेल का कारखाना बनाना है तो सबसे पहले आपको जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मदद लेना पड़ेगा। जियोलॉजिकल माने भू के गर्भ में क्या क्या बैठा है आपको वो देखना पड़ेगा। मान के चलिए हम उठे अपना एक ड्रिलिंग मशीन लेकर के जहां खोदते जा रहे हैं कि पेट्रोल मिलेगा, तो ऐसा थोड़ा होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने एक संस्था बनाया जिसका नाम था ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ऐसे करके ये नाम था। ठीक है, ये जो आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ये जो है आपका कॉर्पोरेशन कंपनी, नहीं इसको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कहिए। तो ये जो है आपका 1956 में बना है। ठीक है, आखिर ये 1956 में बना, तो 1956 ईस्वी में जब ये बना है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी है एक तरीके से, है ना, सरकारी कंपनी हो जाएगा ये, मतलब सरकारी उपक्रम। ठीक है, तो ये जो है आपका ये खोजा,
हर जगह खोजना शुरू किया और खोज खोज करके पता करने का कोशिश किया कि कहाँ पे पेट्रोल मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे पेट्रोल मिल सकता है। तो उसको पता चला कि भाई दो तरीके से हम लोग पेट्रोल निकाल सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। कौन कौन सा तरीका है? तो देखिए, एक तो हम समुद्र के अंदर जा करके, ठीक है, समुद्र के अंदर जाकर के, माने शोर मतलब देखिए समुद्र के अंदर जाकर के और यहां से निकाल सकते हैं अंदर जाकर के, या फिर हम समुद्र के तट पे ही निकाल सकते हैं। तट माने जहां पे बालू वालू है तो वहीं पे हम लोग खोद खाद के निकाल सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से हमको ये बात कौन बताया? हमको ये बात ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है वो बताया, ठीक है। 1956 से ये खोजना चालू किया, कहा कि दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम समुद्र के अंदर जाकर के निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम समुद्र के किनारे पे जो उसका कोस्ट है, जो उसका शोर है, शोर को भी किनारा कहते हैं, तो शोर पे ही जाकर के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किनारा कोस्ट होता है तट, तट को शोर भी कहते हैं, ठीक है। तो शोर के ऊपर खड़ा होकर हम निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे ऑन शोर है, कहेंगे कि शोर के ऊपर खड़ा होकर निकाल रहे हैं, माने जो बालू है तट के किनारे जो बालू है उसके ऊपर हम अपना प्लांट बिछा दिए हैं और उसको अंदर से घुसा के निकाल रहे हैं, तो ये ऑन शोर हो गया। और शोर को छोड़ करके हम चले गए पानी में, तो क्या हम उतर गए पानी से, मतलब तट से नीचे आ गए, उतर गए, तो हम इसका नाम देंगे ऑफ शोर। ऑफ शोर पेट्रोल पंप, मतलब पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल टैंक, ऑयल टैंक, ऑफ शोर ऑयल टैंक और ऑन शोर ऑयल टैंक, ठीक है। तो देखिए, जिस जमाने में ONGC बना है, 1956 का जमाना है, सॉरी 1956 ईस्वी का जमाना है, क्या हम लोग बड़ा अमीर चल रहे थे क्या? भारत को तो ब्रिटिशर्स इतना लूट चुके थे, पूरा यूरोपियन कंट्रीज ही काफी लूटा हम लोगों को, पुर्तगाल भी लूटा, ये ब्रिटिशर सबसे ज्यादा लूटे, उसके अलावा डच कंपनी आया था, ये सब बहुत लोग आए थे ना, है ना। तो वही, तो सभी लोग ले चुके थे पैसा, हम लोग के पास नहीं था। तो 1956 में क्या ONGC के पास इतना क्षमता था, इतना रुपया था कि हम लोग अंदर जा करके पूरा मशीन लगाते और उसके बाद फिर जो है खोजते, पहले तेल निकालना तो छोड़ दीजिए, पहले तो खोजना पड़ेगा कि यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा कि इधर मिलेगा कि यहाँ मिलेगा, है ना, उसके बाद फिर निकालते। तो हम लोग सोचे कि पहले किनारे पे ही किया जाए, उतना पैसा नहीं है, तो हम लोगों ने किनारे पे खोज चालू किया और हम लोग खोज करके क्या निकाले, अंकलेश्वर को निकाल लिए, ठीक है। तो अंकलेश्वर क्या है, तट पे बनाया गया एक कुआं है, मतलब प्लांट है पेट्रोलियम का समझ लीजिए, तो उसमें पूरा पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये है कहाँ पे अंकलेश्वर? गुजरात में है। ये कब बना है? 1960 में बना है, ठीक है। ये कब बना है? 1960 में। कहा है 1960 में क्योंकि उसके पहले हम लोग कैसे बनाते, पहले हम लोग एक संस्था बनाया जिसका नाम ONGC था, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि 1956 में बना है। वो खोज खाज के पता किया कि ठीक है भाई, ऐसे तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो एक तो किनारा के किनारे पे चढ़ जाओ और वहीं पे खोद लो और खोद के निकाल लो, ये होता है ऑन शोर, शोर माने किनारा, ठीक है। और दूसरा समुद्र के अंदर चले जाओ, तो ये होता है ऑफ शोर, शोर को छोड़ के अंदर चले जाओ और वहां पे निकाल लो। मतलब ऐसा नहीं कि समुद्र के अंदर डुबकी लगा के निकाल रहे हैं, जहाज ऊपर रहेगा या प्लांट ऊपर रहेगा, बट उसका जो मशीन, उसका पाइप, ये सब अंदर तक घुसा रहेगा, ठीक है। दो बार। अब देखिए, ये तो हम लोग निकाल लिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग थोड़ा दिन और आगे चले, है ना, और उसके बाद आया 1973। ONGC हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई होगी क्या? जाहिर सा बात है, नहीं बैठी हुई होगी ONGC। फिर उसके बाद खोज करते गई, पैसा वैसा आता गया, तो ONGC जो है 1973 में क्या खोज ली, 1973 में ONGC को पता चला कि खंभात की खाड़ी, अंकलेश्वर जो है ना, अंकलेश्वर इस तरीके से देखिए, ऐसा गुजरात है तो इधर ही अंकलेश्वर पड़ेगा और यहीं पे आपको खंभात की खाड़ी जो है देखने को मिलता है, जैसे ऐसे करके है ना, तो इधर अंकलेश्वर पड़ जाएगा, यहाँ करिए अंकलेश्वर, और ये है खंभात की खाड़ी वाला रीजन, ये सभी लोग जानते हैं। तो जो खंभात की खाड़ी है, तो वही नीचे में पानी में ONGC को पता चला कि यहाँ पे भी तेल बहुत मात्रा में है। ONGC को क्या पता चला कि यहाँ पे भी बहुत मात्रा में तेल है, यानी यहाँ पे भी बहुत मात्रा में तेल है, भले ही ये पानी में है, तो पानी में से तेल निकालना ऑफ शोर, और स्थल से तेल निकालना ये कोस्ट से, शोर पर से ही, मतलब शोर माने किनारा पर से ही तेल निकालना, तो ऑन शोर, ठीक है। ONGC जब ये जान गया कि यहाँ पे तेल है,
तो उसके बाद हम लोग 1973 में वो जाना और इसका नाम क्या पड़ा, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई क्यों? क्योंकि ये बॉम्बे से कुछ ही किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, ये रीजन हम भारत की खाड़ी में पाया जाता है, तो इसका नाम पड़ गया बॉम्बे हाई। ठीक है, और इस बॉम्बे हाई में कब से उत्पादन शुरू हो गया, कब से उत्पादन शुरू होगा बताइए। तो सबसे पहले तो ये जाना कि यहाँ पे तेल है, उसके बाद यहाँ जाने के लिए, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, एक सेकेंड रुकिए, देखिए सबसे पहले तो ये जाना कि सिर्फ अंकलेश्वर में ही नहीं, यहाँ पे भी तेल है, है ना। तो हम जाने कब, 1973 में जान गए थे। ठीक है, तो 1973 में जब हम लोग जान गए थे तो उसके बाद आप समझिए कि हम जाने और तुरंत यहाँ पे क्या, हम यहाँ से हमको उतर के जाना पड़ेगा ना पानी में, पानी में हमको प्लांट लगाना पड़ेगा, पानी में जाने के लिए आपको नाव चाहिए, जहाज चाहिए, हवाई जहाज से जा सकते हैं, तो सारा व्यवस्था करना पड़ेगा। ये टोटल व्यवस्था करने के लिए हम लोग जापान से मिले, हम लोग किससे मिले, जापान से मिले। हम जापान से ये क्यों, क्योंकि जापान जो है कोस्टल रीजन में, वो जो जापान है वो समुद्री इलाका में पड़ता है, तो उसके आसपास बहुत सारा इस तरीके का ऑफशोर जो है ऑयल रिजर्व था, ऑयल टैंक था। तो हम लोग पूछे जापान से, क्या पूछे जापान से कि भाई जापान अंदर हम लोग कैसे जाएं, कोई ऐसा सामान दो। तो जापान कहा कि अंदर जाके आप प्लांट लगाइए। तो वो प्लांट कैसे लगाएं, तो जापान क्या कहा कि देखिए जैसे ये पानी है ना, तो इस पानी में अंदर तक पाइप ले जाइए। ठीक है, इस पानी में अंदर तक पाइप ले जाइए, और बहुत सारा चीज ताम झाम वो वहां पे हम लोग को समझाया। उस समय हमारे पास पैसा था ही नहीं, ठीक है, हमारे पास उस समय पैसा नहीं था, तो हम लोग सोच समझ करके क्या किए कि हम लोग एक जहाज बनवाए, कौन सा, हवाई जहाज नहीं, सिप बनवाए, सिप जहाज, और वो जहाज हम पानी में उतारे कि उसी जहाज से हम लोग चले जाएंगे, और वो जहाज हम लोग पानी में उतार के खड़ा कर दिए। ठीक है, और इसी में से फिर पाइप अंदर डाल दिए, इसी में से, इस जहाज में से पाइप अंदर डाल दिए, वहां पे कोई अलग से ये नहीं बनवाए, हम लोग एक जहाज लिए और वहां पे उसमें इस तरीके से बनाए और इसमें से पाइप अंदर डाल दिए। यहीं पे जहाज के ऊपर हम लोग एक प्लांट बना लिए, ऑयल टैंक जैसा आप कह लीजिए, और इस जहाज का नाम क्या दिए हम, सागर सम्राट। इस जहाज का नाम क्या दिए, सागर सम्राट। तो एक छोटा स्तर से हम लोगों ने शुरू किया यहाँ पे, और फिर इसको और ज्यादा जो है क्या कर दिया, इसको नवीनीकरण इसका जरूर हुआ होगा जैसे जैसे पैसा आता गया होगा, बट स्टार्टिंग में हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि एकदम बढ़िया सा प्लांट लगाए वहां पे, नहीं, तो हमने सोचा कि एक जहाज लेते हैं और वो जहाज से यहाँ पे डाल देते हैं, है ना, तो दोनों काम हो जाएगा। तो ये सागर सम्राट हम लोगों ने किससे लिया, जापान से खरीदा, ये जहाज का नाम है, और इसी से हम लोग फिर ऑफशोर पेट्रोलियम निकालना शुरू कर दिए। तो ऑफशोर पेट्रोलियम, अब ये 1973 समय में हम लोग पता किए थे, और ये जहाज वहाज बनने में टोटल 3 साल लगा, और 1976 में सबसे पहली बार हमने ऑफशोर माने समुद्र में से पेट्रोल निकाला, और ये निकाला कौन था, ONGC ही निकाला था, ये जो समुद्र वाला पेट्रोल है ये कौन निकाला था, ONGC ही निकाला था, 1976 में निकाला था, जबकि ये आपका खोजा कब जा चुका था, 1973 में खोजा जा चुका था, फिर जापान से मदद लेके हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो यहां तक का आपका अगर क्लियर है तो फिर हम लोग और बात समझते हैं। देखिएगा, देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व है वो किसके पास है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, अगर ये पूछेगा तो वो है रशिया। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, यूएसए, यूएसए फर्स्ट पे आता है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, यूएसए, मगर सबसे ज्यादा रिजर्व माने भंडारण किसके पास है तेल का, पेट्रोल का, तो वो है वेनेजुएला। और पेट्रोल का मतलब आप ये मत समझिए कि सीधे निकाले और झट से डाले गाड़ी में और चल गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, पेट्रोल नहीं होता है, उसमें बहुत सारा गंदगी मिला होना रहता है, और उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। फिर क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइनरी में ले जाते हैं, रिफाइनरी माने साफ करने वाले कारखाना में, और वहां ले जा करके हम लोग उस क्रूड ऑयल को साफ करते हैं, और उसके बाद उससे पेट्रोल, वैसलीन, ये सब, और मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें भी पेट्रोल का ही, इसी क्रूड ऑयल का जो गंदगी होता है उसी से मेकअप प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। ठीक है,
तो ये सब चीज, बहुत सारा चीज इससे निकलता है, मोम निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, इसी क्रूड ऑयल से बहुत सारा चीज निकलता है, ठीक है। तो रिजर्व जो है सबसे ज्यादा वेनेजुएला में, बट आपको बता दें कि वेनेजुएला में रिजर्व माने भंडारण तो सबसे ज्यादा है, बट वो अभी अपरिष्कृत है, उतना साफ सुथरा नहीं है, ठीक है, उतना बढ़िया वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लोग खरीदते कम है क्योंकि उसमें ज्यादा बालू वालू रहता है, मतलब अगर आप यहाँ से क्रूड ऑयल लेते हैं तो इसमें कचरा ही ज्यादा रहेगा, काम का चीज कम रहेगा, क्योंकि अभी ये पूरा बढ़िया से तैयार नहीं हुआ है। बट सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। और सबसे ज्यादा निकाल कौन रहा है? यूएसए। बट भारत को सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? भारत को सबसे ज्यादा कौन बेच रहा है? तो 2022 के रिपोर्ट के अनुसार रशिया भारत का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। रशिया जो है वो पेट्रोल में, मतलब भारत में पेट्रोल का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, माने सबसे ज्यादा तेल, पेट्रोल, पेट्रोल रूस दे रहा है भारत को। सबसे ज्यादा भारत किससे पेट्रोल खरीद रहा है? रूस से खरीद रहा है, ना कि सऊदी अरब और ईरान, इराक से, ठीक है। बाकी सब सेकंड थर्ड पे आते हैं, ईरान और सऊदी अरब, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर है। इसके अलावा हम आपको अभी क्या क्या बताए, तो हमने सबसे पहले बताया कि पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो यूएसए में निकाला जा रहा है सबसे ज्यादा उत्पादन। मगर सबसे ज्यादा है किसके पास? वेनेजुएला के पास क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा है, मगर वो गंदा है, उसमें कचरा ज्यादा है अभी, ठीक है। बट रिजर्व उसी के पास सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खुला, खुदा, तो यूएसए में खुला, यूएसए के पेंसिल्वेनिया में खुला, और कब खुला? 1859 में। उसके बाद हम लोग आते हैं और फिर बात करते हैं कि इंडिया में जो सबसे पहले जो ऑयल टैंक खुलता है वो असम में खुलता है, कब खुलता है? 1857 के दो साल बाद, सॉरी 1867, दो साल बाद, 1857 के दो साल बाद तो पेंसिल्वेनिया यूएसए में खुला है, 10 साल बाद तक हमारे यहाँ खुला, तो 1867 में असम में माकन में, ठीक है, माकन में। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो पहला ऑयल टैंक था आफ्टर पार्टीशन कहाँ पे खुला, तो वो वसुधारा के नाम से जाना गया, अंकलेश्वर। ये अंकलेश्वर कहाँ है? एक स्थल है, मतलब नदी के समुद्र के किनारे का इलाका है। कौन आपसे बताया कि यहाँ मिल जाएगा? ONGC नाम की एक संस्था थी जो कि 1956 ईस्वी में खुली थी, और वो खोज रही थी कि कहाँ कहाँ पे क्रूड ऑयल मिलता है। तो वो बताया ONGC हमको कि भाई दो जगह पेट्रोल मिल सकता है, एक तो समुद्र के अंदर, दूसरा समुद्र के किनारे। चूंकि हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने सबसे पहले समुद्र के किनारे ही खोल दिया, समुद्र के किनारे वाले रीजन पे खोल दिया, और वहां पे खोद खाद के हम लोग बनाए। उस जो हमारा तेल का खदान था या तेल का कुआं था, हम उसका नाम रखते हैं वसुधारा, जो कि अंकलेश्वर गुजरात में था, खंभात की खाड़ी के नजदीक था। उसके बाद ये बना कब? चूंकि 1956 में बन चुकी थी ONGC, तो 1960 ईस्वी में आपका वसुधारा बन करके तैयार हुआ। अब बात करते हैं कि ONGC हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी हुई थी, उसके बाद वो खोज रही थी कि समुद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, और उसको पता चल गया कि यहीं से नजदीक खंभात की खाई में ही समुद्र के अंदर बॉम्बे हाई उसका नाम दी, और उसको कहती है ONGC कही अपने सरकार से कि भाई खंभात की खाड़ी यानी अंकलेश्वर के पास में ही समुद्र में जब हम लोग घुसेंगे तो समुद्र में घुसने के बाद हमको क्या मिलेगा? तेल का खदान मिलेगा, है ना। और उसका नाम क्या दी उस समुद्र के तेल के खदान वाले रीजन का? नाम दे दी कि ये क्या है? बॉम्बे हाई है, ठीक है। जब ये बॉम्बे हाई नाम पड़ गया तो हुआ, ये कब नाम दी? 1973 ईस्वी में, ठीक है। 1973 ईस्वी में नाम पड़ गया, सब चीज हो गया, पता चल गया, खुशी मना लिए, बट लड्डू बांटेंगे कि यहाँ पे मिल जाएगा। हुआ कि यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे? तो जापान से संपर्क किए, जापान हम लोग को एक जहाज बना के दिया जिसमें कि सारा प्लांट पहले ही से प्लांटेड था, और हम लोग उसको लेकर के उतर गए और यहाँ पे लगा दिए, और इसी में हम लोग छेद करके और अंदर पाइप डाल दिए, और यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं। इस जहाज का नाम क्या है? सागर सम्राट है, बात खत्म हो जाता है। अब देखिए एक चीज है, एक प्रॉब्लम है, ऑयल स्पिल का प्रॉब्लम, इसको समझ लेते हैं। समुद्र में जब हम लोग, यहां रुक जाइएगा, समुद्र में ये ऑयल स्पिल का प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। समुद्र में जब हम लोग कभी भी ये, जब ऑफ शोर माने समुद्र के अंदर जब हम लोग इस तरीके से बना करके और निकालने का कोशिश करते हैं पाइप डाल करके, तो ये तो पूरा पानी है अंदर, ये सब पानी है, इसी में एक जहाज लगाए हुए हैं हम लोग या प्लांट बनाए हुए हैं, तो जब हम लोग इसमें पानी निकालने का कोशिश करते हैं ना, सॉरी पेट्रोल निकालने का कोशिश करते हैं, तो ये हो सकता है ना कि इसके पाइप में कहीं लीकेज हो
हो सकता है ऐसा कि पाइप लीक हो गया हो, कहीं पे टूट टट गया हो, कि ये भी तो पाइप है। तो जब पाइप में लीकेज होता है, मतलब मान चलिए यहाँ से पाइप लीक हो गया, तो ये जो पेट्रोल हम ऊपर ले जा रहे होते हैं, ये पेट्रोल हम यहाँ पे टंकी बनाए रहते हैं पेट्रोल से, फिर यहाँ पे ऐसे डाल देंगे, मतलब ऐसा व्यवस्था रहता है कि हम यहाँ से पाइप से पानी लेके, दिमाग में पानी ही आता है, हम पाइप से पेट्रोल नीचे से जमीन के अंदर से मोटर के मदद से पाइप से पेट्रोल ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग अपना टंकी में भर लेंगे, यहाँ पे टैंक जैसा रहेगा और इसमें नल बना बना करके डालते जाएंगे, भरते जाएंगे। मगर कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो पाइप होता है ना, ये जो पाइप है आपका, ये टूट जाता है, इसमें से लीक स्टार्ट हो जाता है, लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो ये पेट्रोल जो ऊपर जाके टंकी में गिरता था, ये पूरा समुद्र में इस तरीके से फैल जाता है, ठीक है, और फैलने के वजह से ये जो गंदगी फैलाता है, स्पिल हो जाता है, ठीक है, समुद्र में पूरा क्रूड ऑयल फैल जाता है। एक सेकेंड रुक जाइए, समुद्र में पूरा क्रूड ऑयल फैल जाता है, ये पूरा निकल करके इधर इधर फैल जाएगा, और जिस कारण से पूरा जो समुद्री जीव है, समुद्री जीव को काफी क्षति पहुंचता है, बहुत सारे समुद्री जीव मारे जाते हैं, वो एरिया ऑयल स्पिल के होने के कारण पूरा गंदा हो जाता है वो समुद्र का पानी, उतने रीजन का जहां तक ये ऑयल स्पिल हुआ है। ऑयल स्पिल मतलब जैसे तेल पूरा छितर गया वैसा, ठीक है, ऊपर ऊपर पूरा तेल दिखाई देता है वैसा, ठीक है। तो इससे समुद्री जीव को काफी नुकसान होता है, ठीक है, और ऑयल स्पिल नजदीक में मतलब हाल ही में कहां देखने को मिला है, तो पेरू कोस्ट पे देखने को मिला है, ठीक है। पेरू कोस्ट पे ऐसा हुआ है कि जो ऑफशोर पेट्रोल का खदान था, तो उसका पाइप फट गया, उसमें लीकेज आ गया, कहीं से टूट गया, और जिस कारण से लोगों को पता नहीं चला, जो लोग दिन भर थोड़े नीचे कूद कूद के और पेट्रोल का पाइप जाता होगा लोग, तो नहीं पता चला, और नीचे से पूरा पानी जो तेल था वो लीक हो गया, और ये ऑयल स्पिल की घटना हुई। तो ऑयल स्पिल एक तरीके का पॉल्यूशन का ये है, समझ में आया, आपदा कह लीजिए आप, मगर ये कैसा आपदा है, मतलब ये एक आपदा है, मगर ये मानव निर्मित आपदा है, इंसान के गलती के वजह से जो है ये डिस्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑयल यानी कि पेट्रोल से रिलेटेड जो बात है वो खत्म होता है। आपको बताया है इंपोर्ट के मामले में रूस फर्स्ट पे ये क्वेश्चन ये सब पूछता है, जो भी आपका पीसीएस एग्जाम होता है या नॉर्मल वनडे एग्जाम में, कि भाई इंपोर्ट कौन अभी कौन सबसे ज्यादा कर रहा है इंडिया को, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, सबसे ज्यादा कौन उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है ना, तो ये सब पूछ देता है। तो यहीं पे अब इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग को क्या करना है, यहीं पे जब आपका वीडियो खत्म होगा ना, लास्ट में बिहार जीके मिलेगा, ठीक है, उस पे लास्ट में खत्म होता है तो नहीं दिखाता है, तो आपको बिहार जीके मिल जाएगा, लुसेंट का हिस्ट्री मिल जाएगा, लुसेंट का ज्योग्राफी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो एक बार, अगर आप लोगों को समझाने का तरीका सही लग रहा है तो आप जरूर उसको जाकर के एक बार चेक करें कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, जो नहीं पसंद है तो वो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम सुधार कर सके। चलिए, थैंक यू।